सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, इसलिए इन दिनों सड़कें जल्दी सुनसान हो जाती थी। उस सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में 23 साल का आदित्य फुल स्पीड में भागा जा रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, सांसें लोहार की धौंकने की तरह चल रही थी, गला भी सूख रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे साफ साफ सुना जा सकता था। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना उसके कदम भागे जा रहे थे। उसकी भागने की गति देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे मौत पड़ी है और वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। भागते भागते वो सुनसान सड़क से एक गली में प्रवेश कर गया। गली के मुहाने पर 2 कुत्ते आपस में एक दूसरे को भौंक रहे थे। अचानक उन कुत्तों की नजर आदित्य पर पड़ी और वो उसकी तरफ झपटे। वो नीचे गिर पड़ा। एक कुत्ता उसकी छाती पर चढ़ गया और उसके चेहरे पर अपना पंजा मारकर गुर्राने लगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कुत्ते को दूर फेंका। दूसरा कुत्ता ये देखकर डर गया और पीछे हटकर भौंकने लगा। आदित्य ने किसी तरह खुद को संभाला और खड़ा हो गया। इससे पहले कि दोनों कुत्ते फिर से उसकी तरफ बढ़ते, उसने एक पत्थर उठाया और जोर से कुत्ते को खींच कर मारा। कुत्ता दर्द से बिलबिला गया। एक कुत्ता तो भाग गया, लेकिन दूसरे ने फिर से उस पर हमला कर दिया। आदित्य ने अपने कमर में रखे चाकू को निकाला और उसके पेट में मार दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद वो शांत हो गया। आदित्य ने चैन की सांस ली और फिर से आगे बढ़ा। उसी गली में उसे एक छोटा सा लॉज दिखा। वो उस लॉज में प्रवेश कर गया। उस कड़ाके की सर्दी में भी उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। सड़क पर नीचे गिरने के कारण कपड़ों पर भी धूल लग गई थी। उसकी हालत देखकर लॉज का मैनेजर उसे देखता रह गया। हालांकि उसकी ऐसी हालत देखकर लॉज का मैनेजर थोड़ा डर भी गया था। आदित्य ने किसी तरह अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और लॉज के मैनेजर से कहा, कोई कमरा खाली है क्या? कमरा खाली तो है, लेकिन सिंगल बेड नहीं डबल बेड वाला है। कोई भी चलेगा, सिंगल डबल कुछ भी। लॉज के मैनेजर ने उससे उसका आईडी कार्ड लिया और अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री की। उसे कमरा मिल गया। उसने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे में आकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें अब भी बहुत तेज चल रही थी। अभी 5 मिनट ही उसे कमरे में आए हुए थे, तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुन वो बहुत ज्यादा डर गया। उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। वो खामोशी से उस दस्तक को सुन रहा था, तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने डरते डरते ही पूछा, कौन है? दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर पानी का जग और एक गिलास लेकर लॉज का स्टाफ खड़ा था। उसने उसके हाथ से पानी का गिलास और जग लिया और फिर से जोर से दरवाजा बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर वो चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने जग से पानी निकालकर गिलास में डाला और एक ही सांस में गटागट पी गया। उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गया और लॉज के पंखे को घूरने लगा। ठंड में बंद रहने के कारण उस पर मकड़ी का जाल लग गया था। वो पंखे की तरफ घूर घूर कर देख ही रहा था कि तभी उसे सीलिंग पर एक छिपकली दिखाई दी। छिपकली की नजर शायद उस जाले की मकड़ी पर थी। छिपकली बहुत देर तक जाले को घूरती रही। अचानक मकड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन इस गतिविधि में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि छिपकली सीलिंग से नीचे आदित्य के छाती पर गिर पड़ी। आदित्य बिना हिले डुले बिल्कुल जड़सा होकर छिपकली को देखने लगा और छिपकली उसे। फिर उसने अपने शरीर को जमीन का झटका दिया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। छिपकली दूर जा गिरी और फिर से दीवार पर चढ़ने लगी। उसके बाद आदित्य वॉशरूम में गया ताकि हाथ पैर धो सके। वॉशरूम में एक टब लगा हुआ था, वो खाली था। टब के पास ही एक बड़ा सा आईना भी लगा हुआ था। वो आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद का चेहरा देखने लगा। उसने अपने मुरझाए चेहरे और अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी की ओर देखा।
पहली बार आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों में दिखाई दी। वह खुद को गौर से देख ही रहा था कि अचानक उसका शरीर ऐंठने लगा। वह अपने को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख चाहने के बाद भी वो सीधा नहीं रख पा रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो गया है? मेरे शरीर पर ही मेरा नियंत्रण नहीं है, फिर से वही सब कुछ। आदित्य टब में गिर पड़ा। अचानक उसके कंधे के पास जोरों का दर्द शुरू हो गया। दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था। वह दर्द के मारे चीख रहा था, आदित्य का कंधा धीरे धीरे फट रहा था, उससे खून निकल रहा था और वो स्टब में जमा हो रहा था। अचानक आदित्य के कंधे के पास और उसके सिर के बगल में एक और सिर निकल आया। धीरे धीरे सिरों की संख्या बढ़ने लगी। एक एक कर आदित्य के 10 सिर हो गए। ऐसा लगने लगा कि वो रावण है। आदित्य टब से निकलकर आईने के पास गया और खुद के इस विभत्स रूप को देखने लगा। ये पहली बार नहीं था जब आदित्य के साथ ऐसा हो रहा था। फिर से वही सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये क्यों? मैं पागल हो जाऊंगा, पागल! पिछले कई महीनों से आदित्य इस दर्द को झेल रहा था। इससे बचने की उसने बहुत कोशिश की और इसलिए ही वो भागा जा रहा था, कभी यहां तो कभी वहां, ताकि कहीं तो उसे मुक्ति मिले। लेकिन वो मुक्त नहीं हो पा रहा था। मुक्ति, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे? मुक्ति! आदित्य चीख रहा था, जोर जोर से पूरी ताकत लगाकर। उसके खून से वो टब पूरी तरह भर गया था। वो उस खून को अजीब नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसमें एक लड़की का चेहरा उभरने लगा। धीरे 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 कुछ देर बाद वो चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं रहा, बल्कि एक पूरी लड़की उस टब में उसे दिखाई देने लगी, जो लगातार छटपटा रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उन आंखों से वो आदित्य को घूर घूर कर देख भी रही थी। आदित्य उस लड़की के चेहरे को देखकर बहुत डर गया था। अचानक वो लड़की टब से निकलकर हवा में उड़ने लगी। आदित्य चीखना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी आवाज गले में ही रुक गई है। वह लड़की किसी बैताल की तरह आदित्य की पीठ पर बैठ गई और उसकी पीठ पर अपने दांत गड़ा दिए। आदित्य दर्द से चीख पड़ा, अचानक पुलिस के सायरन की आवाज से वो पूरा इलाका गूंज उठा। आदित्य पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज को गौर से सुन रहा था। पल में ही सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। आदित्य के कंधे के पास हो गए सिर एक एक कर गायब हो गए। वो लड़की भी गायब हो गई। सारी चीजें गायब हो गई थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो चीज थी आदित्य का डर। डरते डरते आदित्य ने लॉज की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ पुलिस वाले लॉज में एंटर करते हुए दिखाई दिए। वो डर गया। वो लॉज की खिड़की से बाहर कूद गया और तेजी से भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई। आदित्य आगे आगे भागा जा रहा था, पुलिस वाले उसके पीछे पीछे थे। पुलिस इंस्पेक्टर राम ने उसको रोकने के लिए कहा, लेकिन आदित्य भागता रहा। रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं सुना और वो और भी तेजी से भागने लगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।